इनकी बच्चे पैदा करने वाली इंडियन चलेगी या वो भी चाइना से आएगी, आपको कुछ आइडिया नहीं है। मनुष्य जीवन इस धरती पर सिर्फ 100 साल बचा है। प्रकृति को 1 मिलियन ईयर्स 10 लाख साल लगे थे वायुमंडल में CO2 का लेवल 200 ppm करने में। आदमी ने 100 साल में 420 कर दिया है। 3 साल से साउथ अफ्रीका में बरसात नहीं हुई है। जो खिलाड़ी गए थे भैया, महाराजा टॉयलेट में पानी नहीं है। हिमालय के ग्लेशियर पिघल चुके हैं। राजस्थान में तापक्रम 54 डिग्री सेंटीग्रेड। BSF के जवान रेत में पापड़ भून रहे थे। लातूर, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र, 100 एकड़ का मालिक घर पे ताला लगा के जा रहा है। भैया कहाँ जा रहा है? कह जी शुगर मिल में झाड़ू मारूंगा। क्यों? वो जी 100 एकड़ का क्या करूँ, बरसात हुई नहीं, पानी है नहीं। पिछले साल जब ओलंपिक हुए थे चाइना में, तो उन्होंने कहा ये बरसात हमारा फंक्शन खराब ना कर दे, तो उन्होंने सिल्वर आयोडाइड स्प्रे करा के बादलों में आर्टिफिशियल रेन कराई थी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कल 30 करोड़ अलॉट किए आर्टिफिशियल रेन के लिए। हम कुछ जानना नहीं चाहते। समुन्द्र का लेवल 3.5 फुट बढ़ेगा। लाखों लाख केरल के लोगों को कहाँ बसाओगे? हवा की बात नहीं कर रहा हूँ, आर्टिक की बर्फ पिघल चुकी है। जब आग लगेगी, जब कुआ खोदोगे, बहुत सारे आप, मैं आता हूँ जंतर मंतर, जो नई पीढ़ी है उसे 3 ही बात करती है, मैनू की, तैनू की, सानू की। मुझे क्या, तुम्हें क्या, हमें क्या, गवर्नमेंट का काम है। हम दुनिया में सबसे उल्टे क्यों हैं? स्वीडन ने कल $100 का सरचार्ज लगाया है एयर ट्रेवल पे। फिनलैंड ने बैन कर दिया, कोई हवाई जहाज से नहीं जाएगा। यूरोप में कार्बन क्रेडिट एविएशन के लिए पूरे साल आप 1 स्टाफ फ्लाइट नहीं ले जा सकते। क्यों? जो हवाई जहाज से जाता है 50 गुना ज्यादा ईंधन इस्तेमाल करता है, 50 गुना ज्यादा प्रदूषण फैलाता है। हम दुनिया में उल्टे क्यों हैं? धरती गर्म हो रही है, सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे देश पे पड़ेगा। मैं बता चुका हूँ, ऐसा कहीं भी नहीं है। न्यूक्लियर बैन कर दिया, 3 माइल आइलैंड वो हुआ था एक्सीडेंट अमेरिका में, 30 साल से वहाँ कोई ऑर्डर नहीं है। जर्मनी ने बैन कर दिया, स्वीडन ने कर दिया। आप गूगल पे जाओ, चेर्नोबिल टाइप करो, CHERNOBLE। दुनिया की सबसे महंगी इमारत यूक्रेन में बन रही है, जब इससे महंगी इमारत आज तक बनी नहीं, न्यूक्लियर एक्सीडेंट को कवर करने को। हम न्यूक्लियर के पीछे भाग रहे हैं, हम एयर ट्रेवल के पीछे भाग रहे हैं। मैं क्या क्या बताऊं आपको, सरिता विहार चलो, हर दूसरे घर में एक कैंसर पेशेंट है। मैं रविशंकर प्रसाद के पास गया, जर्मनी से डॉक्यूमेंट लाया। किसी भी देश में आप जाके कह सकते हो भैया बताओ यहाँ कितना रेडिएशन है, हमारे यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है। रविशंकर प्रसाद बोले पर्सनली आके मिलना। अबे मेरे लड़के की शादी है, मैं पर्सनली मिलूं? हम वहाँ लो कॉस्ट रेडिएशन लगानी है। मैं उनके पास गया, टावर वालों के पास, अरे शर्मा जी 10 टावर, 30 सिक्योरिटी वाले, 30 ऑपरेटर, 10 जनरेटर, सबकी छुट्टी करके एक टावर लगा दी। भैया आप लोग 1000 गुना रेडिएशन टॉलरेट करने को मजबूर हो। डॉक्यूमेंट है मेरे पास जयपुर और बम्बई, जब से ये टावर लगी 6 लोग कैंसर से मर गए। कोई जानना ही नहीं चाहता रियलिटी, ना जो टॉप पे लोग हैं उनको कुछ अक्ल नहीं है, ऐसे लोग रिक्रूट करें। मैं जाता हूँ बताने, मैं IIT से पढ़ा हूँ, लंदन से पढ़ा हूँ, डॉक्यूमेंट लाता हूँ, लेकिन यहाँ कोई अक्ल वाले की कोई व्यवस्था ही नहीं है। मोदी जी क्यों 800 करोड़ खर्च करते हैं ट्रेवल पे? पता नहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है 6000 करोड़ मूर्ति पे, गरीब देश का पैसा। 3 साल का बच्चा रोड पे पेन बेच रहा है, अरे 6000 करोड़। भाई हमें आजाद हुए आज 70 साल हो गए, दुनिया के 40% अशिक्षित मेरे देश में रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं है। रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टी का डिक्टेटर था, ईच वन टीच वन। दुनिया के 55% कुपोषित बच्चे मेरे देश में रहते हैं। क्यों? आदमी माँ के पेट से होगा, पैदा होगा कि आम के पेड़ पे लगेगा? 52% फीमेल आर एनीमिक। नई पीढ़ी स्वस्थ कैसे पैदा होगी? गुड़गांव में रहता हूँ, 40 हॉस्पिटल में एनीमिया क्लिनिक खुलवाया है, डॉक्टर राजेश भार्गव इंचार्ज है। इतना दुख है आपको बताते हुए, गुड़गांव में 76% गर्ल्स आर एनीमिक, 76% लड़कियों के बॉडी में 3 से 5 ग्राम खून है।
इस पे कौन काम करेगा, कोई मेरे चुप करा देते हैं। शर्मा जी ये डिस्कशन है, क्यों नहीं है, खाली हम नीरव मोदी डिस्कस करते रहे। मैं आपको मलेशिया का बताता हूँ, एक आदमी ने अखबार में पढ़ा कि हमारी गवर्नमेंट पे इतना लोन है, ऑर्डिनरी आदमी, कोई बड़ा सेलिब्रिटी नहीं था, उसकी कटिंग लेके वो घर घर गया, लोगों को बताया, चंदा इकट्ठा किया, मिनिस्टर को दे के आया कि भाई ये सरकार, ये लोन उतारो गवर्नमेंट का। एक हमें नीरव मोदी सरकारी पैसा लेके भाग गए, मेहुल चौकसी सरकारी पैसा, कितना अंतर है हमें। मलेशिया का ऑर्डिनरी आदमी चंदा इकट्ठे करके लाया लोगों से और गवर्नमेंट का फॉरेन लोन उतारा। यही मैं कह रहा हूँ, इसको आगे बढ़ाओ, मुझे रोक लेते हैं लोग कभी, मैं डरता नहीं हूँ भाई। मैं नई पीढ़ी को बताना मेरी ड्यूटी है, मनुष्य जीवन इस धरती पर सिर्फ 100 साल बचा है, हमको इस पे बात करनी चाहिए। अभी 200 कंट्रीज के लोग आए थे, ग्रेटर नोएडा में मीटिंग थी, 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा धरती का, ट्रंप बाहर हो गया अमेरिका का जो है प्रेसिडेंट, क्योंकि उसे पैसा देना पड़ता सोलर लगाने के लिए। अब 2 डिग्री बढ़ेगा, ना हमें खाना मिलेगा ना पानी। मैं चाहता हूँ आप लोग मेरी बात सुनो, ये साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, कोई मेरी अपनी बनाई बातें नहीं है। हर एक को पूरी मनुष्य की सृष्टि इस धरती से खत्म होने के कगार पर है, यदि हमने कोई एक्शन नहीं लिया। धन्यवाद।